चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित स्वावलंबी योजना के तहत इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित उद्योग भवन में महिलाओं और छात्राओं को सिलाई कढ़ाई का 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मंगलवार को चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा स्वावलंबी योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं और छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन और व्यापारी नेता जवाहर कसौधन को चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया एवं महासचिव प्रवीण मोदी ने अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत किया तथा साथ ही भेंट स्वरूप पौधा दिया गया। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित स्वावलंबी योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं और महिलाओं को 2 महीने तक उद्योग भवन में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ प्रशिक्षार्थियों को कपड़ा, धागा, सुई और ऑटोमेटिक सिलाई मशीन पर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्य पूरा करने के बाद मंगलवार को 54 छात्राओं और महिलाओं को मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें स्वावलंबी बनाने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, व्यापारी नेता जवाहर कसौधन, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया, महासचिव प्रवीण मोदी, संयोजक आलोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनंत अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एस के अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, अवसर है विश्व महाकुंभ का, इसलिए आवश्यकता है कि इन लोगों को इसकी एक सामूहिक रूप में बना करके 8-10 लोगों का समूह बनाए, ग्रुप बना करके उसमें अपनी जिंदगी उसके हिसाब से बिकी गई है, जिससे देखिए गवर्नमेंट यहाँ की याद कर सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट है। मुख्यमंत्री का उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ स्थानीय मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। रजनी श्रीवास्तव, सरिता सिंह, हंसी देवी, वैभव मिश्रा, महेंद्र सिंह, रोशनी कसेरा, साक्षी सिंह नहीं है, मधु शर्मा, संजना पांडे, नीतू, आज जो है चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के तरफ से महिलाओं को प्रशिक्षण करने के लिए उनके अंदर आत्मबल जगे और स्वावलंबी बने, एक सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब का जो है कटिंग का एक दो महीने का इन लोगों ने एक संकल्प शुरू किया है, उसमें सैकड़ों की संख्या में भी
यहाँ महिलाएं हमारे सामने यहाँ पर थी और उन लोगों को मतलब सर्टिफिकेट भी दिया गया और एक स्वावलंबन की दृष्टि से एक बहुत पुनीत कार्य है और महिलाएं स्वावलंबी होंगी, उनको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से अपने ऊपर आत्मनिर्भरता आएगी इनके अंदर और हम आशा करते हैं कि और भी ट्रेड के लोग जो है इसमें आगे बढ़ें और इसमें महिलाओं का सहयोग करें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं ये लोग, तो करीब करीब 100 लोगों की संख्या हम समझते हैं और दो दो महीने का इन लोगों का ट्रेनिंग है। तो और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो है कि हम और लोग जुटें और हम कपड़ा जो है हमारे पास इतनी अधिक संख्या में है कपड़े हैं कि इन लोगों को हम पूरी भरपूर हम मदद कर सकते हैं। तो और लोग जब आएंगे ग्रुप बना करके तो इन लोगों को रोज़गार मिलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन लोगों को रोज़गार मिले, प्लेटफार्म मिले ताकि अगर ये सामान कहीं बनाती हैं तो उनको बेचने का एक स्थान मिले, ताकि जब तक कोई बाज़ार नहीं मिलेगा बना के ही क्या करेंगी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इनको बाज़ार मुहैया कराया जाए और इनके सामान की बिक्री हो, तभी ये मतलब जो है आगे बढ़ेंगे।